तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 मार्च शुक्रवार, पहला पाठ, नबी एज़केल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का वह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इज़राइलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपना धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पाप को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य 20 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दे से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे, तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे।
ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है, ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा काल में हैं और इस चालीसा काल में बार बार हमें पवित्र वचनों के द्वारा पाप और पश्चाताप के बारे में संदेश सुनने को मिलता है, ताकि हम पाप की भयानकता को समझें और उसको त्यागें और पश्चाताप के मार्ग को अपनावें। आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 18 से। यहां हमने सुना प्रभु ईश्वर ये कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। प्रभु कहते हैं, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। इसी तरह वाक्य 24 में लिखा हुआ है, किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो वह क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। प्रभु कहते हैं, अगर पापी अपने पापमय मार्ग को त्यागता है, धार्मिकता के मार्ग पर चलने लगता है, तो उसके सारे पाप को भुला दिया जाएगा और वह जीवित रहेगा। ठीक उसी तरह भला व्यक्ति अपने भलाई को भूल जाता है, धार्मिकता को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो वो मर जाएगा। पाप विनाशकारी है, पाप विनाशकारी है, पर पाप का स्वभाव ही विनाशकारी है। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है, पाप का वेतन मृत्यु है। उसी तरह प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। इस सत्य को जानना जरूरी है कि पाप का स्वभाव ही विनाशकारी है। ठीक इसके विपरीत पश्चाताप जीवन प्रदान करता है। पाप का स्वभाव विनाशकारी है, लेकिन पश्चाताप जीवन प्रदान करता है। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध को स्वीकार करेगा उसे कोई हानि नहीं होगी, जो अपने अपराध को स्वीकार करेगा उसे कोई हानि नहीं होगी। उसी तरह अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, ईश्वर से मेल कर लो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। यह पवित्र बाइबल का एक बहुत बड़ा प्रकाशना है, एक आंदोलनकारी शिक्षा है। मनुष्य कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो पश्चाताप करता है तो उसके सारे पापों के लिए क्षमा मिलती है और उसको जीवन मिल जाता है। देखिए, ईश्वर न्यायी है, ईश्वर न्यायी है, लेकिन ईश्वर करुणामय भी है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 103 के वाक्य 10 में लिखा हुआ है, वह हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है, वह हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। हम बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, वो ईश्वर दयालु है, करुणामय है, न्यायी जरूर है, लेकिन करुणामय और दयालु है। वो हमारे अतीत का लेखा नहीं रखता है, हमारे पापों का हिसाब नहीं रखता है, और इसीलिए पल भर में हमारे पापों को डिलीट करने में समर्थ है। वो हमारे पापों का लेखा नहीं रखता है, बल्कि इसके विपरीत वो हमारे वर्तमान का ख्याल करता है। आज मैं क्या कर रहा हूं ये ज्यादा मायना रखता है। प्रभु हमारी बुराइयों का हिसाब नहीं रखते हैं। अगर हम पश्चाताप करेंगे तो प्रभु हमें जीवन प्रदान करेगा। इसीलिए वचन कहता है, मनुष्य कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, पश्चाताप करने पर उसके अपराध मिट जाते हैं और उसको जीवन प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह
मनुष्य कितना ही बड़ा धार्मिक क्यों ना हो, अगर वो पाप के मार्ग पर जाएगा उसकी सारी धार्मिकता भुला दी जाएगी और वह मृत्यु के मार्ग पर चलेगा, वो मर जाएगा। प्रभु के वचनों के द्वारा बार बार इसी बात को इसी वचन में, आज के वचन में दोहराया गया है, प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि पश्चाताप की आवश्यकता है। हम कितने ही बड़े अपराधी और पापी क्यों ना रहे हों, पश्चाताप करते हैं, प्रभु की ओर मुड़ते हैं, प्रभु हमारे सारे अतीत को भूल कर हमें गले से लगाएंगे, जिस तरह उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसको गले से लगाया। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी और कहा, अगर तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारा अध्यात्म, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन अगर फरीसियों के आध्यात्मिक जीवन से बढ़कर नहीं है तो तुम ईश्वर के राज में, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। फरीसियों की धार्मिकता क्या थी? नियमों का पालन करना। ईश्वर ने जो नियम दिया, नियमों का अक्षरशः पालन करना। उनके अंदर दया नहीं थी, क्षमा नहीं थी, इंसानियत नहीं थी। नियमों के पालन से, कर्मकांड के पालन से वह अपने आप को धार्मिक मानते थे। प्रभु कहते हैं तुम्हारी धार्मिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी धार्मिकता को तुम्हारे व्यवहारों में और जीवन में प्रकट होना चाहिए। तुम्हारी धार्मिकता को तुम्हारे मेल मिलाप, दया और प्रेम में प्रकट होना चाहिए। इसको समझाने के लिए प्रभु येसु तीन शिक्षाएं देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो, यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। प्रभु ईश्वर ने इसराइलियों को 10 नियम दिया और 10 नियमों से पांचवा नियम है, हत्या मत करो, मनुष्य की हत्या मत करो। जो हत्या करता है वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, उसे दंड मिलेगा। लेकिन प्रभु उसी नियम को एक नई व्याख्या देते हैं, एक नया अर्थ बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रभु कहते हैं, तुमने सुना है जो हत्या करता कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई से क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। बहुत गहरी बात है, गंभीर बात है। कभी कभी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते हैं। हम अपने धार्मिक कार्यों को करते जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य चीजें करते हैं, लेकिन प्रभु की शिक्षा पर गौर नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं, जो अपने भाई से क्रोध करता है वह हत्या की तरह है, हत्यारा है। संत योहन, पहला योहन अध्याय 3:15 में कहते हैं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। प्रभु यहां पर हत्या और क्रोध को बराबर घृणित पाप अपराध बताते हैं। क्रोध भी घृणित अपराध है, इसीलिए प्रभु हमें बताते हैं क्रोध नहीं बनाए रखना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए। अगली शिक्षा प्रभु कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। प्रभु कहते हैं, जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो, बलि चढ़ा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हें याद आए कि किसी को तुमसे कोई समस्या है, उस भेंट को वहीं छोड़ दो, जाकर मेल करो, उसके बाद आकर भेंट चढ़ाओ। क्या मतलब इसका? प्रभु बताना चाहते हैं, तुम्हारी भेंट, तुम्हारी प्रार्थना बिना मेल मिलाप के स्वीकार्य नहीं है। तुम्हारी भेंट, तुम्हारी प्रार्थना बिना मेल मिलाप के स्वीकार्य नहीं है। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अक्सर हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में अक्षमा है, क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है। हमारी प्रार्थनाएं हल्की हो जाती हैं, उसमें कोई दम नहीं रह जाता है। अगली शिक्षा प्रभु कहते हैं, कचहरी में जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दे से समझौता कर लो।
कचहरी में जाते समय कोई समस्या हुई, कोई झगड़ा हुआ, और तो उसको उसके निवारण के लिए, समाधान के लिए तुम कचहरी जाते हो, तो जाते समय मार्ग में ही बातचीत करो, एक दूसरे को समझो, मार्ग में ही मेल मिलाप करो। तुम विश्वासी हो, तुम प्रिय प्रभु की चुनी हुई प्रजा हो, तुम्हें कचहरी नहीं जाना चाहिए, बातचीत करो, सामने बैठो, अपनी बात रखो, उसकी बात सुनो, सहन करो। कचहरी में जाने से तुम्हारे लिए हानिकर होगा, लिखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दें, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दें, प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दें। उससे अच्छा है कि पहले ही मेल मिलाप कर लो। बहुत सारे झंझट और झगड़े बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी की जरूरत होती है, उदारता की जरूरत होती है, नम्रता की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है। हमें इन सारी बातों की आवश्यकता नहीं है। हम अगर नम्र हैं, हमारे अंदर उदारता है, हमारे अंदर प्रेम है, हमें कचहरी की आवश्यकता नहीं, आपस में बातों के द्वारा सुलझाया जा सकता है। प्रभु इन शिक्षाओं के द्वारा इस चालीसा काल में हमें बताते हैं मेल मिलाप, क्षमा, शांति, प्रेम पर जोर दो। यही सच्चा अध्यात्म है, ये आध्यात्मिकता की पहचान है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है। प्रभु आज के दिन हम तेरे पवित्र वचनों का पालन कर सकें, अपने प्रतिदिन के जीवन में तेरे वचनों का पालन कर सकें, हमारी आध्यात्मिकता जीवन की आध्यात्मिकता हो, व्यवहार की आध्यात्मिकता हो, सच्चाई की आध्यात्मिकता हो। ए प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बनाइए। वे जो भी कार्य करें वहाँ पर तेरी आशीष हो, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन की।